के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भोर की आरती के साथ एक माह तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला को मिला विराम। ईद मिलादुन्नबी पर शहर में निकली जुलूस से मोहम्मदी, देखने को मिला आपसी सद्भाव और देश प्रेम का जज्बा। शरद पूर्णिमा पर गढ़वा घाट आश्रम में दमा रोगियों को निःशुल्क दवा का वितरण। दवा के लिए पूर्वांचल से उमड़े लोग। और 15 अक्टूबर से काशी में पहली बार आयोजित होगा मणिकर्णिका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। और अब खबरें विस्तार से। भोर की आरती के साथ एक माह तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला को विराम मिला। विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला की भोर की आरती में रविवार की सुबह मानो पूरी काशी आरती का हिस्सा बनने के लिए उमड़ पड़ी हो। लाखों की भीड़ ने जय श्री राम और हर हर महादेव का नारा लगाया तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। काशी में परंपराओं की रामलीला कई चरणों में आयोजित होने वाले रामलीला की परंपराओं में से एक भोर की आरती होती है। यह आरती सूर्योदय के दौरान उग रहे सूर्य के लिए विशेष अनुष्ठान के तौर पर आयोजित की जाती है, जिसमें समूचा नगर सदियों से इसी तरह उमड़ता रहा है। भोर की आरती में जन सैलाब उमड़ा तो आस्था का रेला गांव गली और मोहल्लों से होता हुआ रामलीला स्थल की ओर पहुंच गया। आरती के लिए घंटा घड़ियाल का दौर शुरू हुआ तो आस्था का दूर दूर तक कहीं कोई ओर छोर नजर नहीं आ रहा था। रामलीला में राज्याभिषेक की आरती रविवार को तड़के लगभग 5:30 बजे आरती के लिए रामनगर दुर्ग से अनंत नारायण सिंह राज परिवार के सदस्यों व दरबारियों के साथ पैदल चलकर लीला स्थल अयोध्या मैदान पहुंचे। लगभग 5:39 पर भगवान भास्कर ने जैसे ही अपनी आंखें खोली और माता कौशल्या ने अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान श्री राम व सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तथा श्री राम के चरणों में नतमस्तक भक्त शिरोमणि हनुमान की आरती उतारी। लाल सफेद महताबी रोशनी की इस झांकी के अनुपम छटा को उपस्थित विशाल जनसमूह ने अपने मानस पटल पर लंबे समय तक के लिए अंकित किया। अनंत नारायण सिंह ने भी खड़े होकर राम राज्याभिषेक की आरती का दर्शन कर परंपरा का बखूबी निर्वहन किया। हर हर महादेव के उद्घोष के बीच अनंत नारायण सिंह जहां आरती के बाद हवाखोरी के लिए निकले, वहीं श्री राम को कंधे पर उठाए बजरंग बली व सीता, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न भक्तगणों के कंधे पर बैठ बाजार भ्रमण के प्रसंग को संपन्न कराने के लिए लीला स्थल से बलुआ घाट स्थित धर्मशाला पहुंचे। भोर की आरती है, कल राज्याभिषेक हुआ, आज भोर की आरती है और यहाँ पे कई गांव से, सब गांव, ग्रामीण, शहरी, सब लोग कम से कम 40-50 जन रहता है यहाँ और बहुत मान्यता है भोर की आरती। आज के बाद आज यार लास्ट मिला थी रात्रि बधाई। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहर में जुलूसे मोहम्मदी निकाली गई। रविवार को ईद मिलादुन्नबी पर निकलने वाले जुलूस मोहम्मदी में आपसी सद्भाव और देश प्रेम का जज्बा देखने को मिला। शहर में निकले जुलूस में शामिल लोग इस्लामिक झंडे के साथ राष्ट्र ध्वज भी लहराते हुए चल रहे थे। इसमें हिंदू भाइयों ने भी बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। रात भर मुस्लिम इलाकों में नातिया कलाम का भी दौर जारी रहा। ईद मिलादुन्नबी पर निकलने वाला यह पूर्वांचल का सबसे बड़ा जुलूस है। इसमें वाराणसी के साथ ही आसपास के जिले के लोग भी शामिल होते हैं। इसके चलते रविवार को लाखों की संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए। हाथों में इस्लामिक और तिरंगा झंडा था तो लबों पर सरकार की आमद मरहबा और नारे तकबीर और नारे रिसालत के नारे थे। रेवड़ी तालाब मैदान से सुबह 7:30 बजे जुलूस ए मोहम्मद निकाला गया। जुलूस रविन्द्रपुरी, शिवाला, मदनपुरा, मैदाकिन, कबीरचौरा होते हुए बेनियाबाग पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो गया। तकरीर और दुआ के साथ जुलूस समाप्त हो गया। तकरीर में पैगंबर साहब के जीवन के बारे में बताया गया और उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने की बात कही गई। इसके अलावा देश और दुनिया में अमन और शांति के लिए दुआ की गई। बता दें कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का जन्म इस्लामिक माह रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हुआ था। इस दिन को ईद मिलादुन्नबी, यौमुन्नबी या विलादत ए नबी के नाम से पुकारा जाता है। इस दिन को जश्न के रूप में मनाते हैं। घरों पर हरी झंडियां लगाई जाती हैं, जुलूस निकालते हैं और पूरे रबीउल अव्वल माह में जलसों का आयोजन होता है। आगे पीछे गाड़ी ना करें आप लोग।
और बाप ने पंद्रह अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक काशी में मणिकर्णिका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन होगा। नाट्य नाटक मंडली ट्रस्ट एवं मणिकर्णिका फिल्म फेस्टिवल ट्रस्ट ने मणिकर्णिका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया है। इस संदर्भ में परांकर भवन में रविवार को प्रेस वार्ता कर आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि मणिकर्णिका इस उत्सव धर्मी नगर की पहचान की सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि है। सारी दुनिया में यही तो एक ऐसा न्यारा नगर है जहां मृत्यु भी उत्सव है, जहां अंत का विषाद नहीं अपितु आरंभ का उल्लास है। बनारस एक पौराणिक एवं आध्यात्मिक शहर के रूप में तो विख्यात है ही, लेकिन इसकी एक और पहचान है जो कला एवं सिनेमा जगत को आकर्षित करती है, और वो है इसका सौंदर्य, जिसका कलात्मक मूल्यांकन हमेशा से भारतीय सिनेमा और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा बखूबी करता रहा है। बनारस की सिनेमेटिक ब्यूटी और फोटोगैंसी व्यू को देखाने की लालसा लगभग सभी फिल्म मेकर की होती है। मणिकर्णिका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का एक पहल है। फिल्म मेकर एवं सिनेमा प्रेमियों को बनारस की पवित्र सुंदर भूमि पर मंच देने की निसंदेह 15 अक्टूबर 2022 बनारस और सिनेमा जगत में एक ऐतिहासिक तारीख के रूप में दर्ज होगी, जब इतनी बड़ी संख्या में भारत और विश्व सिनेमा का प्रदर्शन होगा और साथ ही दर्शक और निर्देशक के बीच संवाद होगा। सिनेमा के हर पहलू पर बात होने से दर्शकों में सिनेमा के प्रति दिलचस्पी भी बढ़ेगी और सकारात्मक एवं कलात्मक नजरिया भी विकसित होगा। 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चलने वाले मणिकर्णिका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारत के अलावा 14 अन्य देशों से 21 फीचर फिल्म एवं 60 शॉर्ट फिल्म का चयन किया गया है, जिसका प्रदर्शन 4 दिवस के समारोह में किया जाएगा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि समारोह में बनारस और बनारस से जुड़े प्रतिभाशाली युवाओं का अधिक से अधिक योगदान हो। इस वजह से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के साथ ही पूर्वांचल श्रेणी में रखा गया है, जिसमें बनारस और आसपास के युवा फिल्म मेकर के फिल्मों का चयन किया गया है। फिल्म जगत से कई हस्तियों को इस समारोह में आमंत्रित किया जा रहा है। उनका योगदान, उनका अनुभव और उनकी उपस्थिति फिल्म समारोह को ज्यादा सक्रिय और सफल बनाएगी, और साथ ही उनके संवाद से दर्शक ज्यादा लाभान्वित होंगे। अभिनेता संजय मिश्रा उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा प्रतिदिन मुंबई एवं बनारस के कला साहित्य एवं बौद्धिक जगत से जुड़े व्यक्तित्व समारोह में शामिल होंगे और मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर साहब, जो 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल हो रहा है नागीनाटक, इस समय पूरे देश में अगर बात करें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इस तरह की कई चीजें चल रही हैं। क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ भी परोसा जा रहा है या एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी एक्सप्रेस कर दे रहे हैं, कि कहाँ तक जायज लगता है और इस तरह के जो फिल्म फेस्टिवल है वो कहाँ तक इसको रोकने में कामयाब है? मैं आपके सवाल को बहुत ही गहराई से लेते हुए सिर्फ एक लाइन में इसका जवाब देना चाहूँगा, और वो जवाब ये होगा कि जो भी चीज़ है, जो हमारे मन की भावना है, जो कुछ भी आप कह रहे हैं, ये सभी एक मर्यादा सीमा में होना चाहिए और वही समाज के लिए सही संदेश होगा। अभिव्यक्ति जब तक किसी को का अहित नहीं कर रहा है, किसी को हर्ट नहीं कर रहा है, तब तक वो अभिव्यक्ति कही जाएगी और तब तक वहीं तक उसकी स्वतंत्रता है। जहाँ से वो किसी का अहित करना शुरू करता है, किसी को हर्ट करना शुरू करता है, वो अभिव्यक्ति नहीं होती। हमको शोर और संवाद के फर्क को समझना पड़ेगा। संवाद एक अभिव्यक्ति है, शोर अभिव्यक्ति नहीं है, वो एक प्रतिरोध है, एक विरोध है, एक तरह का एक डिस्ट्रक्शन है। तो अभिव्यक्ति तभी तक है जब तक कि आप एक सहज बात कर रहे हैं, एक सिंपल बात कर रहे हैं, और वो बात जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, सिर्फ आरोपित नहीं करना है आपको। तो जब हम इस तरह की फिल्म की बात करते हैं समांतर सिनेमा की, तो वहाँ पे आरोपित नहीं होता है, वहाँ पे सहज रूप से पहुँचाया जा रहा होता है। जब हम कमर्शियल फिल्म की बात करते हैं तो वहाँ कई माध्यम के साथ, वो चाहे पैसा हो, चाहे सेक्स हो, चाहे क्राइम हो, उसके जरिए हम आरोपित कर रहे होते हैं। तो ये आरोपित और पहुँचाने का फर्क जो है। बीएचयू ड्रामा सेंटर के ऑडिटोरियम में फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस द्वारा संगोष्ठी आयोजित की गई। रविवार को ट्रामा सेंटर ऑडिटोरियम में संगोष्ठी का आयोजन फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस के डॉक्टरों द्वारा किया गया, जिसमें लगभग 80 डॉक्टर शामिल हुए।
कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त से डॉक्टर विनय कुमार श्रीवास्तव संकाय प्रमुख डेंटल फैकल्टी व डॉक्टर सौरभ सिंह प्रोफेसर इंचार्ज ट्रॉमा सेंटर द्वारा किया गया। इस संगोष्ठी में जबड़े की चोट में उपयोग होने वाली तकनीकों तथा इम्प्लांट के बारे में गहन विचार विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम के चेयरपर्सन डॉक्टर संजीव कुमार जोन AOCMF की उपयोगिता के बारे में विस्तार से बताया। प्रोफेसर नरेश कुमार शर्मा भूतपूर्व विभागाध्यक्ष ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर प्रोफेसर चंद्रेश जायसवाल, प्रोफेसर नीरज कुमार धीमान, प्रोफेसर प्रीति तिवारी, प्रोफेसर ऋचिक त्रिपाठी, प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह तथा डॉक्टर कविता मीना, डॉक्टर विशाल कुलकर्णी, डॉक्टर आतिस कुंडू, डॉक्टर जितेंद्र अरोड़ा तथा डॉक्टर सुधीर सिंह ने अपना व्याख्यान दिया। सेमिनार जो है वो AOCMF कराती है, ये जो जैसे सर ने बताया स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है और वो दुनिया के हर जगह हर शहर में जा कर के इस तरह के कोर्सेज होती हैं जहाँ बच्चों को ट्रेनिंग की दी जाती है कि कैसे जबड़े का या चेहरे की हड्डियों का अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उनको हम कैसे उनका इलाज कर सकते हैं। तो मैं नेशनल फैकल्टी हूँ AOCMF की तरफ से, तो मुझे भेजा गया है उनकी तरफ से यहाँ पर ये कोर्स कंडक्ट करने के लिए। शरद पूर्णिमा के अवसर पर रमना स्थित गरवाघाट आश्रम में दमा रोगियों को दवा का वितरण किया गया। शरद पूर्णिमा के अवसर पर रविवार को दमा रोगियों को रमना स्थित मठ गरवाघाट आश्रम में निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। शरद पूर्णिमा के खीर में विशेष औषधि मिलाकर उन्हें दी गई। इसके लिए देर रात से ही मठ के बाहर दमा रोगी हाथों में खीर लेकर कतारबद्ध दिखे। दवा का वितरण मठ गरवाघाट आश्रम में शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्री श्री 108 स्वामी शरणानंद सरस्वती महाराज ने किया। बता दें कि दवा का वितरण पिछले कई वर्षों से मठ में किया जा रहा है। जिसको दवा लेना होता है वह दूर दूर से यहाँ आता है और खीर में मिलाकर इस औषधि दवा का सेवन करते हैं। दवा प्राप्त करने के लिए देर रात से भक्तों का तांता लगा था। इस दौरान मठ जयकारे से गुंजयमान रहा। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ, PMC हॉस्पिटल हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से PMC हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से PMC हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। PMC हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। PMC हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित OPD की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई ICU, ICCU की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर PMC हॉस्पिटल रविंद्रपुरी वाराणसी। PMC हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1,00,000 से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। PMC हॉस्पिटल हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड वाराणसी, हेल्पलाइन नंबर 0542-2310155 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भारतीय कला को लेकर रंग दे इंडिया के द्वारा एक अनोखी पहल होने जा रही है। भारत सदियों से पूरे दुनिया में कला और संस्कृति का महान देश रहा है। भारतीय कला का समाज में भी एक अलग स्थान रहा है। कला के इसी महानता को एक कदम और आगे ले जाने के लिए रंग दे इंडिया के द्वारा एक अनोखी पहल की जा रही है, जिसमें देश भर के मशहूर कलाकार अपना एक
महत्व योगदान देने जा रहे हैं। बनारस से बीएचयू के प्रोफेसर रहे विजय सिंह और कला विभाग के अध्यक्ष एस प्रणाम सिंह, वहीं दिल्ली से विजेंद्र शर्मा और कलाकार अमित कपूर और राजस्थान से विद्यासागर उपाध्याय, नागपुर से कलाकार विजय बिस्वाल, नासिक से प्रफुल्ल सामवत और राजेश सामवत जज की भूमिका में पूरे देश के कलाकारों को मार्गदर्शन करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम में कलाकार का चयन दो चरणों में किया जाएगा, जिसके लिए भारत के 6 शहर बनारस, कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली, जयपुर और मुंबई में ऑडिशन के माध्यम से किया जाएगा। चयन कलाकार को अंतिम चरण के लिए मुंबई के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां जज करेंगे युवा कलाकारों के कला का संरक्षण, साथ में होंगे गैलरी कला संग्रहकर्ता जो देंगे उम्दा कलाकारों को उनके कला का सही मूल्य। रंग दे इंडिया की ओर से इस पूरे कार्यक्रम को फिल्माया जाएगा, जिसका प्रसार ओटीटी पूरे दुनिया में किया जाएगा। पूरे देश के युवा कलाकारों के लिए एक सुनहरा मौका मिलने जा रहा है। ये कार्यक्रम भारत का पहला कार्यक्रम होने जा रहा है जो सिर्फ कला और कलाकार को समर्पित है। इधर ऐसे आए हैं कि नहीं, एक कॉन्टेस्ट है ना, तो उसमें कितने लोगों का कलेजा हिल रहा है कि नहीं, तो जो उसमें अपने आप को योग्य समझ रहे हैं, वो आ रहे हैं, अभी और भी आएंगे, अभी तो 4 बजे तक आ भी चुके हैं, इसके बाद लिया जाएगा। तो जो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, और ऐसे जयपुर में भी प्रोग्राम सिलेक्शन होगा ऑडिशन का, तो ये जब देश के अंदर कलकत्ता में भी होगा और बम्बई के अंदर में जब सारे जजेज 9 लोग जो देश से हैं वहाँ पहुँचेंगे, तो ये हमारे बच्चों को जो देश के नए टैलेंट निकल रहे हैं, इनको बहुत बड़ा इंटरनेशनल नेशनल प्लेटफॉर्म मिलेगा। वहाँ 2 बायर्स भी होंगे और क्रिटिक भी होंगे, इंटेलेक्चुअल्स पीपल भी होंगे और सारे जजेज भी होंगे, उनका काम जो यहाँ से सिलेक्ट हो रहा है उसकी हम लोग पहल कर रहे हैं कि वो जो बायर्स पसंद करेगा काम मार्केट का, तो उसको कहेंगे कि लोगों का एक ग्रुप शो आप लोग अरेंज करो, अगर दिखता है तो उनको एक्सपोजर मिलेगा, उस टैलेंट का इज्जत बढ़ेगा देश के अंदर में। तो ये थीम भी रखे हैं क्या बच्चों के सामने, थीम पे नहीं, वो पेंटिंग एक ऐसा है जो स्वतंत्र है, कोई बनारस पर काम कर रहा है, कोई बर्ड्स पर काम कर रहा है, कोई शेर और चीता बना रहा है, ये उसके ऊपर। 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक सामने घाट मलैया में गंगा के पावन तट पर सप्ताहव्यापी ज्ञान वापी शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। श्री मिठलेश सेवा समिति के तत्वाधान में काशीवासी के सहयोग से गरवा घाट रोड पर मलैया में विश्व सुंदरी पुल के नीचे मां गंगा के पावन तट पर सप्ताहव्यापी ज्ञान वापी शिव महापुराण कथा का आयोजन 10 अक्टूबर सोमवार से 16 अक्टूबर रविवार तक किया गया है। इस संदर्भ में ज्ञानवापी शिव महापुराण कथा आयोजन समिति के संयोजक मुख्य यजमान कौशल कुमार सिंह, निधि सिंह, सह संयोजक संजय केसरी, आत्मा विश्वेश्वर प्रदीप मान सिंह, राकेश शर्मा, राम बहादुर सिंह आदि ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर बताया कि यह कथा सीहोर मध्य प्रदेश से पधारे पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा के श्रीमुख से प्रभावित की जाएगी। यह वाराणसी में उनकी दूसरी कथा है। वाटरप्रूफ पंडाल में 25,000 से अधिक श्रद्धालु जनों की बैठने की व्यवस्था के साथ ही कार्यक्रम स्थल पर वाहन पार्किंग सुरक्षा, अग्निशामक, सीसी कैमरे, क्लोज टीवी सर्किट, पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था की गई है। कथा का समय नित्य दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। कल 10 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक होगी कथा, और दिन में 1 बजे से 4 बजे तक प्रतिदिन होगी। हाँ, कल शोभा यात्रा के नाम पर केवल इतना ही है कि जल भरी है, जल लेकर के गंगा जी के किनारे से वही परमहंस आश्रम के बगल से ले आकर के और यहाँ स्थापित किया जाएगा, ताकि पूजा की शुरुआत हो जाए। ग्रामीण जनसेवा समिति द्वारा सिर गोवर्धनपुर गांव में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। ग्रामीण जनसेवा समिति द्वारा सिर गोवर्धनपुर गांव में रविवार को एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 262 लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस शिविर में बीएचयू के प्रोफेसर अभिषेक अभिनव, प्रोफेसर एसपी मिश्रा, डॉक्टर विजय सोनकर, डॉक्टर वैभव जायसवाल, डॉक्टर अभिषेक पाठक, प्रोफेसर भूपेंद्र वर्मा, प्रोफेसर संजय यादव, भूपेंद्र वर्मा, प्रोफेसर विजय सोनकर, डॉक्टर अमित थापा, प्रोफेसर ललित अग्रवाल उपस्थित रहे। ग्रामीण जनसेवा समिति के अध्यक्ष गिरिराज यादव ने बताया, ऐसे हर 6 महीने पर आयोजित की जाती है। हमारा उद्देश्य वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा गांव में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना होता है। इस कार्यक्रम में एडवोकेट दूधनाथ यादव, राम सिंह यादव, अमन यादव, अनिल यादव, राजकुमार यादव, राकेश यादव, प्रशांत यादव, जयप्रकाश यादव, राहुल यादव, सनी विश्वकर्मा, अरविंद कुमार सिंह, राजकुमार, सुनील यादव, वीरू यादव, संजय यादव, पुष्पेंद्र प्रताप,
रवि यादव, राजकुमार यादव, अनिल यादव, शनि विश्वकर्मा आदि लोग मौजूद रहे। हम लोग स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किए हैं बच्चों की स्मृति में। ये कार्यक्रम हम लोग हर 6 महीने पर करते हैं और ये इस गांव में इस बार 7वीं बार ये शिविर का आयोजन किया गया है। और हम लोगों का ये उद्देश्य होता है जो हमारे गांव के लोग अस्पताल में नहीं पहुँच पाते हैं किसी कारणवश, डॉक्टरों की भीड़ में उनके बाद मरीजों की जो उनका सही इलाज नहीं हो पाता, तो हमारा ये उद्देश्य होता है कि जो विश्वविद्यालय के चिकित्सक हैं, जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उनको यहाँ पर ला कर सेवाएं दी जाए। इस कड़ी में हम लोग आज 7वीं बार ये शिविर का आयोजन किए हैं। अभी तक इसमें करीब 300 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसमें सबसे अधिक भीड़ जो आज मरीजों में रही वो गठिया विभाग का, हड्डी विभाग का, कार्डियोलॉजी विभाग का। शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध मोहल्ले कबीरचौरा में चल रहे अखंड रामायण का समापन हुआ। शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध मोहल्ले कबीरचौरा में अखंड रामायण का आयोजन हुआ। पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा समय से कबीरचौरा के आनंद भवन में आयोजित होने वाले अखंड रामायण का प्रारंभ इस वर्ष शनिवार 8 अक्टूबर को सायंकाल से प्रारंभ हुआ, जो कि 24 घंटे के पश्चात शरद पूर्णिमा पर रविवार 9 अक्टूबर को सायंकाल यज्ञाहुति के साथ सम्पन्न हुआ। बड़ी संख्या में अखंड रामायण में लोग आते रहे और श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ करते रहे। हर हर महादेव और सियापति रामचंद्र जी की जय के बीच अखंड रामायण का समापन सायंकाल घंटे घड़ियालों और शंखनाद के बीच हुआ। पूर्णाहुति के पश्चात प्रसाद वितरण के रूप में भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत, नमस्कार। सच के साथ।